क्या हुआ? शादी तय हो गई? डर लग रहा है? कोई बात नहीं, हर मर्द की जिंदगी में ये मौका जरूर आता है। मुबारक हो, आपको भी ये मौका मिला। लेकिन ये खुशी की चीज, ये खुशी की बात अपने साथ लाई है एक बहुत बड़ी परेशानी। अब बात करेंगे इस पे थोड़ी देर में कि ये क्यों होता है, कैसे होता है और इसको क्या क्या हल किया जाए। आई एम डॉक्टर मुजाहिद फारूक, योर सेक्स थेरेपिस्ट एट मेंस केयर क्लिनिक्स। देखिए, ये बहुत जनरल सी बात है कि हर लड़का उसकी ज़िंदगी में वो वक्त ज़रूर आता है जब उसकी शादी की तारीख तय की जाती है, और हर लड़का इस प्रेशर को फील करता है कि क्या मैं शादी के काबिल हूँ, क्या मैं ये कर पाऊँगा, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर कुछ ना हो पाया तो, या जो कुछ मैं कर चुका हूँ उसकी वजह से अगर कोई मसला आ गया तो। ये इसे हम मेडिकल की लैंग्वेज में हम कहते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी। हर मर्द को इससे गुजरना पड़ता है। लेकिन जो सोचने की बात है वो ये है कि आखिर ये होती क्यों है। इसके पीछे की वजूहात दो हो सकती हैं। कुछ जिस्मानी प्रॉब्लम्स जो आपने ऑलरेडी नोटिस किए हों, वो हकीकतन फिजिकल हो सकते हैं लेकिन वो साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं। ये प्रेशर, ये एंजाइटी आने की बहुत बड़ी वजह जो है वो होती है उस हमारी हमारा सेक्स के बारे में वो तमाम इल्म या वो तमाम ख्यालात, आइडियाज, ओपिनियंस जो हम सेक्स के बारे में जानते हैं, ये तमाम सारी चीज़ें वजह बनती हैं इस प्रेशर की। इसका इलाज बहुत आसान है। आपको दो चीज़ें करनी है। इन्वेस्टिगेट कीजिए कहीं जिस्मानी तौर पे कोई मसला तो नहीं, अगर है उसे सॉल्व कर लीजिए। अगर जिस्मानी तौर पे ठीक है तो सिंपली ऑल यू नीड इज काउंसलिंग, प्री मैरिज काउंसलिंग। अच्छा, मजे की बात है, खवातीन में भी ये फियर पाया जाता है जब उनका रिश्ता तय हो जाए या जब उनकी शादी की डेट तय हो जाए। जिस तरह से हम लोग सुनते रहते हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत अपने दोस्तों से, अपने कज़नों से, अपने घर वालों से, उसी तरह लड़कियां भी अपनी दोस्तों से, अपनी कज़नों से बहुत कुछ सुनती हैं शादी के बारे में, इज़्दवाजी ताल्लुक के बारे में, और उनमें से बहुत से कमेंट्स ऐसे होते हैं जो उन बेचारियों को डरा देते हैं। तकलीफ, ब्लीडिंग, परफॉर्मेंस, इस सब का प्रेशर उसे भी होता है। एंड ऑफ कोर्स द सेम गोज विद हर कि उनको भी काउंसलिंग की, प्री मैरिज काउंसलिंग की जरूरत है। तो इन शॉर्ट, अगर हम इसकी बात करें कि हम इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, तो दो ही चीजें हैं जैसा मैंने अभी बताया। फिजिकल टेस्ट करवाइए, कंफर्म कर लीजिए आपको जिस्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो स्ट्रेस है वो थोड़ा लो हो जाएगा। सेकेंडली, प्री मैरिज काउंसलिंग लीजिए और अपनी लाइफ इंजॉय कीजिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन होती नहीं है, समझाने वालों को खुद नहीं पता समझाना क्या है, तो लड़का और लड़की बेचारे अपनी अपनी ज़िंदगी का वो कीमती तरीन दिन, वो कीमती तरीन इवेंट इस परेशानी में गुजार देते हैं कि रात को पता नहीं क्या होगा। अपनी खुशियों की खातिर शादी से पहले प्री मैरिज काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच। आपके क्वेश्चंस हमें YouTube, Facebook और Google पर आप कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस शेयर कीजिए और हमें अपडेट रखिए। थैंक यू।